आज की क्लास में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, एनसीईआरटी का है, चैप्टर फ्रॉम न्यूक्लियाई। तो बोला ये हुआ है कि अ गिवन कॉइन हैज मास 3 ग्राम, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड रिक्वायर टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटोन फ्रॉम ईच अदर। फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम दैट कॉइन इज एंटायरली मेड अप ऑफ कॉपर जिसका मास 63 है एंड एटॉमिक नंबर 29 है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अगर आप कंसीडर करो एक कॉपर के एटम को, सपोज ये यहाँ पे मैं एटम ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ये कॉपर का एटम है मान लो, ठीक है। अभी यार इस एटम के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। बोला ये गया है कि आपको सेपरेट करना है, इसमें जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनको एक दूसरे से सेपरेट करना है। अब एटम के अंदर अगर आप डीप में जाओगे तो आपको न्यूक्लियस मिलेगा, तो इसके डीप में चल के न्यूक्लियस बनाते हैं। तो यार यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा आपके लिए एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये है आपका एटम के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। चलो अब इस न्यूक्लियस के अंदर आप डिटेल में जाओ तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस न्यूक्लियस में क्या मिलेंगे आपको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाते हैं। तो आइए ड्रॉ करें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देखो मान लो कि प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है, फिर प्रोटॉन है, ऐसे में प्लस करके लिख रहा हूँ, आप समझ जाना इसी के अंदर रहते हैं। तो आपको सेपरेट करना है इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ठीक है। अब जब आप सेपरेट करोगे तो बताना है कि कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इसको सेपरेट करने के लिए। जाहिर सी बात है अलग करोगे एनर्जी चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन 3 ग्राम कॉइन, ठीक है, सिक्के के फॉर्म में आपके पास कॉपर का वो मटेरियल पड़ा है, तो 3 ग्राम कॉइन के अंदर कितने एटम्स होंगे, इस वर्ड पे स्ट्रेस देना है, कितने एटम्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि एक किसी भी पार्टिकल के अंदर 6.022 × 10³³ जो है एवोगैड्रो नंबर होते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम सभी के मासेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि इसका मास कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप देखो आपको करना क्या है, 6.022 × 10³³, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हम लेके चलते हैं। तो हम करेंगे क्या कि 6.022 × 10³³ को डिवाइड कर दो 63 से, ठीक है, ये टोटल मास है। और फिर निकालना कितने में, 3 ग्राम में, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ एटम्स आपने यहाँ से निकाल लिया, जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे ये निकल के आएगा 2.868 × 10³²। अब आपको इतना पता है कि जो भी सिक्का है, मान लो कि ये 3 ग्राम का कॉइन था, लेट सपोज ये 3 ग्राम का कॉइन था, तो इसमें जितने भी एटम्स मौजूद होंगे ना, ठीक है, यहाँ तो मैंने खैर एक एटम बनाया है, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा सिक्का होगा, उसके अंदर पता नहीं हज़ारों एटम्स हो सकते हैं, तो मुझे वही हज़ारों एटम जानने थे। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इस एक पर्टिकुलर मैटर का एक एटम लिया है। मैटर क्या था हमारे पास, कॉइन था, और उसका एक एटम है, ऐसे हज़ारों एटम होंगे, तो मुझे मिल गया मेरे टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे। अब हमें जानना है कि ईच एटम ऑफ कॉपर कंटेन, यहाँ पे ना 29 लिख लो, देखो आपको एटॉमिक मास दिख रहा है, सॉरी नंबर, वो 29 है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इसका प्रोटॉन, तो 29 प्रोटॉन और 34 न्यूट्रॉन है इसके अंदर, ये भी मुझे पता है। जब आप मास डिफेक्ट की बात करते हो तो मास डिफेक्ट कैसे निकलता है, भाई जितने भी आपके पास प्रोटॉन है उसको मल्टीप्लाई करा दो उसके मास से, प्लस में जितने भी आपके पास यहाँ पे न्यूट्रॉन है अगेन मल्टीप्लाई करा दो प्रोटॉन के ही मास से। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया, सॉरी न्यूट्रॉन के मास से, ठीक है, इसको न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन के मास से, प्रोटॉन को प्रोटॉन के मास से, और इसको टोटल को जोड़ लो, ये टोटल हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आ गया। और हमें पता है कि जो इनका मास होता है वही एक्चुअल में एटम का भी मास होता है। इसको माइनस करा दो टोटल मास से, टोटल मास कितना दिया हुआ है, एक कॉपर एटम के केस में टोटल मास ये दिया हुआ है। तो अगर आप इसको माइनस कराओगे इस वाले मास से, तो जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ये मास डिफेक्ट निकल के आता है, इतना समझ आ गया। तो ये हमारे पास मास डिफेक्ट है। अब हमने जब मास डिफेक्ट निकाल लिया, तो आपको करना ये है कि ये तो निकल के आया एक एटम का मास डिफेक्ट, आपके पास जितने भी एटम है ना उससे मल्टीप्लाई करा दो। तो ये देखो ये है एक एटम का मास डिफेक्ट, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम जो मौजूद है वो है, उसको आप अगर मल्टीप्लाई करा लोगे तो आपको टोटल एटम का जो है मास डिफेक्ट निकल के आ जाएगा। अब टोटल एटम का मास डिफेक्ट ये निकल के आया। अब आपको करना क्या है कि इस मास डिफेक्ट को, अभी तो यूनिट में निकला है, इस मास डिफेक्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। तो एक यूनिट में ना 933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, ठीक। तो आपके पास जो भी फाइनल आंसर निकल के आया उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आपका फाइनल मास डिफेक्ट निकल गया, यानी कि हमने फाइनल एनर्जी निकल गई, ठीक है। यानी कि हमने इसको 3 स्टेप में सॉल्व किया। सबसे पहला स्टेप ये था नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लिया, दूसरा स्टेप ये था मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लिया, और तीसरा स्टेप ये था कि हमने उसको कन्वर्ट कर लिया एनर्जी में, यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। यहाँ पे बोला गया है द फिजन प्रॉपर्टी ऑफ प्लूटोनियम
आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ यूरेनियम, यानी कि प्लूटोनियम और यूरेनियम के फिजन प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल सेम है। जो एवरेज एनर्जी रिलीज होती है फिजन के दौरान वो है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मच एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज इफ ऑल द एटम इन 1 kg ऑफ प्योर प्लूटोनियम अंडरगोज फिजन, यानी कि प्लूटोनियम के जितने भी 1 kg के अंदर एटम्स है वो अगर सभी फिजन में शामिल हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। बहुत सिंपल सा है, अगर आपको काउंट करना है भाई नंबर ऑफ एटम इन 1 kg ऑफ प्योर प्लूटोनियम, तो आप कुछ इस प्रकार से काउंट करोगे कि एक बात सोचो, सबसे पहले तो आपको यार यहाँ पे ये लिखना है कि जो भी एवोगैड्रो नंबर होता है उससे आप डिवाइड करा दो उसके एटॉमिक मास को और मल्टीप्लाई करा दो आप कितना अभी प्लूटोनियम यूज़ करने वाले हो। तो आप फिलहाल यूज़ करने वाले हो 1 kg, 1 kg को अगर आप कन्वर्ट करोगे ग्राम में, ठीक है, तो 1000 निकल के आएगा। तो इससे ना आपको ये पता चल जाएगा कि 1 kg प्लूटोनियम में कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का ये तरीका होता है हमारे पास, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, तो एन एवरेज एनर्जी रिलीज इन फिजन इज 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो यहाँ पे बोल ही रखा है कि भाई प्लूटोनियम और यूरेनियम दोनों का जो फिजन है वो लगभग सेम ही है। अब आपको करना क्या है कि जितने भी आपके पास एटम्स निकल के आए ना उनको आप मल्टीप्लाई करा दो आपके पास जो भी एवरेज एनर्जी है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा दोगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगी 1 kg ऑफ प्लूटोनियम को जब आप रिएक्ट कराओगे। तो ये हमारा क्वेश्चन, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 जो है आपसे बोला हुआ है कि 1000 मेगा वॉट फिजन रिएक्टर कंज्यूम हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 years। जो भी इसमें फ्यूल है वो 5 साल में वो पूरा कंज्यूम कर लेता है। और यूरेनियम आपने डाला हुआ है उसमें, आपसे पूछा है कि हाउ मच यूरेनियम 235 डिड इट कंटेन इनिशियली, शुरू में उसमें कितना यूरेनियम था। अज्यूम करो डैट द रिएक्टर ऑपरेट्स 80% ऑफ द टाइम एंड डैट ऑल एनर्जी जनरेटेड अराइजेज फ्रॉम द फिजन एंड डैट दिस न्यूक्लियाइड इज कंज्यूम्ड बाय फिजन प्रोसेस। अच्छा, 5 साल तक तो इसको काम करना है, उस 5 साल में 80% टाइम जो है वो रिएक्टर काम करता रहता है, उस केस में आपको बताना है आंसर। तो आइए समझिए, सबसे पहले अगर आप यूरेनियम के केस में रिएक्शन देखोगे तो पता चलेगा कि जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप यूरेनियम का रिएक्शन पर्टिकुलरली करके देखोगे और जो प्रोडक्ट में रिएक्शन में एनर्जी निकलता है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है। अब आपने किया क्या, एनर्जी जनरेटेड इन फिजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम। अब 1 kg यूरेनियम का इस्तेमाल करो और पता लगाओ कि कितना एनर्जी उसमें से रिलीज हुआ है। मुझे इतना पता है कि अगर आप एक न्यूक्लियस यूरेनियम का इस्तेमाल करते हो तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो रिलीज करता है। अब 1 kg के अंदर पहले तो ये ढूंढ लो कि कितने न्यूक्लियस हैं, कायदे से कितने एटम हैं वो ढूंढ लो, जितने एटम उतने ही न्यूक्लियस होंगे। तो सबसे पहले एटम ढूंढो, ये वाला पोर्शन देखो, एक एटम के अंदर मतलब एक पर्टिकुलर मोल के अंदर इतने वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर, उसको डिवाइड कर दो आप एटॉमिक मास से यूरेनियम के, हमने कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप उसको, क्योंकि आपको 1 kg में लेके चलना है तो आप मल्टीप्लाई करा लो 1000 से, ठीक है। और उसके बाद आपको इतना पता है कि एक न्यूक्लियस ना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा, तो उसको फिर 200 से मल्टीप्लाई करा दो। जब इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, प्राइमरली इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व कर लोगे, तो आपके पास ना एनर्जी निकल के आएगी 1 kg यूरेनियम के अंदर 5.106 × 10^26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट कर लो जूल में, तो 1 जूल के अंदर होता है मतलब 1 mega electron volt और जूल का रिलेशन निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो इस आंसर को 1.6 × 10^-13 से, तो ये ओवरऑल आपका ना आंसर निकल के आ जाएगा ये, ठीक है, 8.17 × 10^13 जूल, जूल में एनर्जी निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1 kg यूरेनियम के अंदर आपको कितनी एनर्जी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ जूल, ये आंसर है। अब आपको पता है कि आपका रिएक्टर ना जो है 80% टाइम तक ऑपरेट करता रहता है 5 साल के अकॉर्डिंग, तो 5 साल का 80% यानी कि 80 / 100 × 5 लगभग 4 साल में प्रॉपरली काम करेगा और 1 साल का उसका रेस्ट होगा, ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो जो भी 5 साल में रिएक्टर ने काम किया और उस टाइम में टोटल एनर्जी इसने रिलीज करी निकाली, वो हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ईयर में इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ईयर की जब बारी आएगी, हमें पता है कि जो रिएक्टर है वो 1000 मेगावाट जनरेटर है, मतलब कि 1000 मेगावाट तो जनरेट कर ही सकता है, ऐसा है। तो 1000 मेगावाट कब तक जनरेट करता है, 5 साल तक, तो उसको यार ईयर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसा अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास 5 साल के अंदर टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि 5 साल के अंदर ये है टोटल एनर्जी, ठीक है। 1000 मेगावाट रिएक्टर की कैपेबिलिटी ये है कि 5 साल तक इतनी एनर्जी वो निकाल सकता है इन टर्म्स ऑफ जूल।
ये बात समझ गए। अच्छा अब बात करनी है कि कितना यूरेनियम जो है वो 5 साल में कंज्यूम हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि इतनी एनर्जी वो निकालता है 5 साल के अंदर, ठीक। और आपको इतना पता है कि जो आपका यूरेनियम 1 किलो अगर यूरेनियम आपने इस्तेमाल किया था तो उस दौरान इतनी एनर्जी निकली, रिएक्टर का टोटल एनर्जी इतना है और आपके यूरेनियम का इतना है, दोनों को डिवाइड करा दो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट आपने यूरेनियम का खर्च किया। तो लगभग 1544 किलो आपने खर्च किया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और आपको ये जानना है कि शुरू में इनिशियली उसमें कितना अमाउंट रहा होगा, ठीक है। तो जब शुरू की अमाउंट की बात करेंगे तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 308 kg, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो इस क्वेश्चन का आंसर था। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा हुआ है कि कितनी देर तक इलेक्ट्रिक लैंप जो है, जो कि 100 वॉट का है, वो लगातार ग्लो करता रहेगा फिजन की वजह से, फिजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूट्रेनियम, ठीक है। और द फ्यूजन रिएक्शंस कैन बी टेकन एज, तो जो भी रिएक्शन हो रहा है फिजन का वो इस प्रकार से आपके पास दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनर्जी इसमें से इतनी रिलीज हो रही है। आइए बात करते हैं, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ ड्यूट्रेनियम एटम होंगे 2 किलो के अंदर वो हम कैसे निकालेंगे, जो भी एवोगैड्रो नंबर है उसको डिवाइड करा दो ड्यूट्रेनियम का जो मास होगा यानी कि 2 और मल्टीप्लाई करा दो कि भाई कितना वोल्ट वो रिलीज करता है, यानी कि मल्टीप्लाई करा दो टोटल जो ड्यूट्रेनियम का मास था, 2 kg को कन्वर्ट कर लो ग्राम में, वो आपके पास 2000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको टोटल जो नंबर ऑफ एटम ड्यूट्रेनियम में मिलेंगे वो मिलेंगे 6.023 × 10^26, यानी कि इतने एटम है ड्यूट्रेनियम के अंदर। एनर्जी रिलीज व्हेन 2 एटम फ्यूज, अब हमें बोला गया कि 2 एटम फ्यूज करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन देख लो ना, ड्यूट्रेनियम के 2 एटम यहाँ पे फ्यूज कर रहे हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है हमें कैसे पता, ये रहा ना रिएक्शन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब हमें जानना है टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी 1 ड्यूट्रेनियम की वजह से, ये तो 2 की वजह से है, तो अगर 1 की बात करेंगे तो डिवाइड करा दो उसको 2 से, समझ में आ गया। अब टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो जो भी जितने नंबर ऑफ एटम्स ड्यूट्रेनियम में है ना उसको फिर मल्टीप्लाई करा दो। देखो यहाँ पे फिर समझो, 1 एटम की वजह से इतनी एनर्जी रिलीज होती है, जितने भी टोटल एटम है ड्यूट्रेनियम में उसकी वजह से कितनी एनर्जी रिलीज होगी इसको मल्टीप्लाई करा लो, तो ओवरऑल एनर्जी आपके पास ये निकल के आ जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर लो, देखो ये निकल के आ गया हमारे पास जूल के टर्म्स में, अब इसको कन्वर्ट कर लो जूल में तो ओवरऑल आंसर आपके पास ये बन जाएगा मल्टीप्लाई वगैरह कराने के बाद, समझ गए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जो बल्ब है वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो आपको बताना है कि कितने समय तक वो बल्ब ग्लो करता रहेगा। टोटल एनर्जी आपके पास ये है, बल्ब 1 पर सेकेंड इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है, तो अगर आप टोटल एनर्जी को पर सेकेंड एनर्जी से डिवाइड कराओगे तो आपको टाइम निकल जाएगा। अगर यही टाइम आपको ईयर में निकाल के देना है तो आप क्या कर लो, इस पर्टिकुलर मैथ के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, ये सबको पता है 1 साल में कितना समय होता है, ठीक है, सेकेंड्स के टर्म्स में, तो आपने यहाँ पे इसे डिवाइड करा दिया ना, तो आपको ये पता चल गया कि कितने समय तक आपका बल्ब जो है वो जलेगा, लगभग ये 5 साल मल्टीप्लाई बाय 10^4 ईयर तक ये जलता रहेगा। तो ये हमारा डिस्कशन था। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर अ हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स, यानी कि 2 न्यूट्रॉन को कोलाइड कराते हो, हेड ऑन कोलिजन कराते हो, और उस दौरान जो उनका पोटेंशियल बैरियर होगा। अच्छा पोटेंशियल बैरियर कहाँ से आया, सोच के देखो, 2 न्यूट्रॉन जब कोलाइड करेंगे तो रिपेल भी करेंगे, तो जो रिपेल करते हैं ना वो जो डिस्टेंस है जितनी दूरी से वो रिपेल करते हैं उसको हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। नहीं समझ में आया, अभी बताते हैं आपको डायग्राम के थ्रू। देखो ये मान लो कि 1 ड्यूट्रोनियम है आपका, न्यूट्रॉन है सॉरी, और दूसरा ये रहा, ठीक है। अब अगर ये हेड ऑन कोलिजन करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल दोनों एकदम एक दूसरे पे स्ट्राइक कर देंगे अच्छे से, नहीं ना, काफ़ी क्लोज जाने के बाद वो रिपल कर देंगे, तो जो भी इनका डिस्टेंस रह जाएगा उसी को आप यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बोलोगे, ठीक है, रिपल्शन की वजह से। अच्छा आगे पढ़े, द इफेक्टिव रेडियस ऑफ ड्यूट्रेनियम कैन बी टेकन एज 2 फर्मी, जो इफेक्टिव रेडियस है वो 2 फेरोमीटर लेना है, ठीक है। नो डैट हाइट ऑफ अ पोटेंशियल बैरियर इज गिवन बाई कूलम रिपल्शन बिटवीन 2 ड्यूट्रेनियम व्हेन दे जस्ट टच ईच अदर, तो जो हाइट है ना वो कूलम रिपल्सिव फोर्स के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है। आइए डिस्कस करें जरा, देखो जब हेड ऑन कोलिजन की बात की जाती है तो जो भी डिस्टेंस होगा 1 ड्यूट्रॉन के सेंटर से दूसरे ड्यूट्रॉन के सेंटर तक वो हमें कुछ ऐसे लेना है। देखो कैसे लेना है, मान लो ये 1 ड्यूट्रॉन है और ये दूसरा है, ठीक है। अब होगा ये कि अगर मैं इसके रेडियस को ड्रॉ करने की कोशिश करूं, देखो यहां पे ना यहां सेंटर है इसका, यहां सेंटर है, तो यहां से यहां तक, अब मान लो कि बहुत करीब आ जाती है, उठ के बिल्कुल यहां तक आ जाता है, तो भी जो भी इनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों के रेडियस को मल्टीप्लाई करा दो, इस रेडियस को और इस रेडियस को, समझ के बात, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके तो आपको जब डिस्टेंस जानना है बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 न्यूट्रॉन तो आप रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करा लो, 1 की वैल्यू दे रखी थी 2 fm, तो r की वैल्यू जो निकल के आएगी, जो डिस्टेंस है वो निकल के आएगी 4 fm, इसको कन्वर्ट कर लो तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 × 10^-15।
हमें पता है कि एक जूट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। बड़ा आसान सा है, अगर आपको कूलम रिपल्सिव फोर्स के अकॉर्डिंग अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात यह है कि आप एक काम करो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो भी फोर्स होता है ना उसको डिवाइड करा दो क्यू से, सॉरी आर से, ठीक है, हाइट से डिवाइड करा दो। अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, वो होती है Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/k की वैल्यू भी लेके चल लेना। तो जब आप एक काम करो ना, अब अगर आप फोर्स की जगह इस ये वाली वैल्यू पुट करो, ये वाली सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो आर से आर कट जाएगा, समझ में आ गया। तो अगर आर से आर कट गया तो ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, देखो Q1 Q2 की जगह ई लिख लिया हमने, ठीक है, तो ई स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 1/4πε₀, और जो आर स्क्वायर था अब एक आर से कट चुका है और आ गया आर। तो ये यार मैंने समझाने की कोशिश की थी फॉर्मूला, वैसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, जरूरी भी है। अब सारी वैल्यूज पुट करो, हमें पता है कि भाई चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो सारा पुट कर दो यहाँ पे, ठीक। और यहाँ तो खैर ड्यूट्रॉन है, तो चार्ज और ड्यूट्रॉन पुट कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, राइट। जो भी आपके पास के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, वो पुट कर दो। अच्छा, अभी हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया, आर की वैल्यू ये निकाल ली, ये भी पुट कर दो। 1/4πε₀ के बनता है, नोट करें, इसलिए इसकी वैल्यू ऊपर गई है। कुछ लोग सोचेंगे नीचे क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ तक ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब अगर आप ये सारी वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगा 360 kiloelectron volt। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 2 times काइनेटिक एनर्जी होता है न्यूट्रॉन के। तो अगर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, देखो आधा कर दो इसको, सिंपल सी बात है, हाफ कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी की जब बात करेंगे तो 360 का हाफ हो जाएगा, तो आ जाएगा 180 kiloelectron volt। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कि रिलेशन दिया हुआ है R = r₀ a^3। हमें पता है कि भाई जो भी आपका रेडियस होता है ना उसका रिलेशन होता है ये, और जो आर नोट है वो कांस्टेंट होता है, ए जो है वो मास नंबर होता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि शो डैट न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी इज़ नियरली कांस्टेंट। तो जो न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी है वो लगभग लगभग कांस्टेंट ही होता है। तो देखो सबसे पहले डेंसिटी की बात कर लेंगे, डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब बात करते हैं डेंसिटी को रिप्रेजेंट रो से किया जाता है, मास जो है आपने यहाँ पे ए लिख लिया, और एम यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है, भाई आपको नहीं पता कि भाई किसका मास है, तो आपने एवरेज मास यहाँ पे डाल दिया न्यूक्लियॉन का, ठीक है, एवरेज मास यहाँ पे न्यूक्लियर का डाल दिया, और ए जो है वो किस एटम के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे, तो ए जो होता है नेम ऑफ द एटम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो यहाँ तक मतलब जो भी एटम है ना उसका मास यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और एम जो है वो एवरेज मास है न्यूक्लियॉन का। यहाँ तक बात समझ आ गई। वॉल्यूम की बात करते हैं, स्फेरिकल शेप में होता है 4/3πr³। अब हमें पता है ये रिलेशन होता है, आर की जगह ना ये वाली वैल्यू उठा के डाल दो, ठीक है, तो आर की जगह जब आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा r₀ a^3, और ये होल क्यूब था, यहाँ पे होल क्यूब रहेगा, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, मतलब 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, और जो ये नीचे वाला 3 था ये ऊपर चला गया, तो ये नीचे वाला 3 यहाँ पे आ गया, समझ में आ गई बात, ओके। अब जब आप इस ओवरऑल वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर निकल के आएगा। अब आप ये देखो, ये इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो वेरिएबल दिख रहा है, नहीं ना, सारा कुछ कांस्टेंट है। तो जब आपने डेंसिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यानी कि रो की वैल्यू निकाली तो कांस्टेंट निकल के आया, और ये बात बिल्कुल सही है, ये नियरली कांस्टेंट ही है। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल डिस्कशन, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप नोटबुक में मेक श्योर करें कि सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाए, साथ में कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे हर एक न्यूमेरिकल में यूज़ किए गए फॉर्मूले को भी एक बार मेंशन कर दे। सो बाय।